हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चिड़िया यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का अकाउंट यूट्यूब के साथ। और आज मैं एक बार दोबारा से खेलने जाने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। और आज की वीडियो के अंदर भी मैं एक बार दोबारा से मल्टीप्लेयर मोड ही खेलने जाने वाला हूँ। बैटल रॉयल भी मैंने खेल लिया, वो इतना ज़्यादा नहीं खेलना मेरे को इसके अंदर, कि ये मेन बैटल रॉयल गेम की नहीं है। मेन इसका मेन मोड जो है वो मल्टीप्लेयर मोड है। वैसे बैटल रॉयल भी मैं खेलूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। और वैसे अभी यहाँ पर सबसे पहले जो मैं मोड खेलने की सोच रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर कोर पर आ चुका हूँ। और सबसे पहले जो अभी मैं मोड खेलने की सोच रहा हूँ वो ये है फ्री फॉर ऑल, क्योंकि आप इसको एक तरीके से मेरा फेवरेट मोड कह ही सकते हो। हाँ, ये मेरा फेवरेट मोड है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, वैसे फीचर जो है ना ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फीचर के अंदर अभी यहाँ पे कुछ नए आए, एक तो ये 10 vs 10, ये भी ऑनलाइन की तरह होने ही वाला है। मैंने इसे खेल रखा है लेकिन मैं अभी इसे दोबारा खेल लूँगा बाद में कभी। और साथ में गन शेप, मतलब गन गेम, ये गन गेम के अंदर ना हमारी जो गन्स है वो हर एक किल के बाद चेंज होगी, तो इसलिए वो वाला भी एक अलग बढ़िया मोड है, तो उसको भी मैं खेलूँगा। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे पहले मैं फ्री फॉर ऑल वाला मोड खेलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बाकी मोड्स खेलना चाहता हूँ। तो अभी लग जा तू और यहाँ पे हो जा मैच स्टार्ट। तो अभी मुझे नहीं पता कि अभी मुझे कैसे एनिमीज मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। वैसे ना इस मैच से पहले मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर इसमें मतलब पूरे 8 प्लेयर्स होते हैं, सभी 8ों मतलब इंडिविजुअल खेल रहे होते हैं, कोई टीम वीम होती नहीं है वो, तो फिर यहाँ पे दो कार्ड्स क्यों दिखाए जाते हैं वैसे, मतलब जैसे टीम का मैच होता है एक रेड टीम येलो टीम की तरह, ऐसे दो कार्ड्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद बाकी सब ऐसे वो ब्लैक बैकग्राउंड पर दिखाए जाते हैं। वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ पाती, लेकिन अब इस बकवास को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैच स्टार्ट हो ही गया, और यहाँ पे एक सेकंड मैच स्टार्ट हुआ, मेरे सामने से एक बंदा मैंने भागता हुआ जाता हुआ देखा। मैं किसी को भी अपने आगे से भागता हुआ जाता हुआ देख नहीं सकता, और खासकर फ्री फॉर ऑल में। यहाँ पे सब इंडिविजुअल है और एक बंदे के एक किल हो भी गया। मेरे को अभी जल्दी से यहाँ पे लोग ढूंढने पड़ेंगे और मारना पड़ेगा। वैसे आज की गेम के अंदर थोड़े बहुत लैग वैग हो सकते हैं, लेकिन देखो भाई आज की गेम के अंदर थोड़े बहुत लैग वैग हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब यहाँ कि आप एकदम वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैंने बोला थोड़े बहुत लैग हो सकते हैं। प्लीज़ भाई अगर आए और वीडियो पे क्लिक किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर ही दो। अरे पीछे चला गया वो, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और इसका मैंने फ़ायदा उठाया, और ये भी आ जा, और तू भी एक सेकंड आराम से पीछे पीछे, ज़्यादा पास नहीं आ रहा, कहाँ मार रहा है, ये मेरे को मार सकता था। और यहाँ पर मैंने इसके हेड पर मारा, लेकिन उसने हेडशॉट नहीं किया, नॉन हेड के लिए गया। तो मतलब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सबको मैंने मार दिया। हो तुझे क्या लगा मैं तुझे देख नहीं पाया? प्लीज़ थोड़ा कम लैग हो, मैं गेम से कह रहा हूँ ये बार। यार थोड़े बहुत गेम लैग हो सकती है, लेकिन प्लीज़ यार अगर आपने वीडियो को कर दिया तो देख के बिगैर जाना होगा, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करना। तो थोड़ा अभी यहाँ पे मेरे एक एबिलिटी आ गई, और तू भी आ जा, और तू भी आ जा। यस भाई, जो जो भी यहाँ पे आई जा रहा है सबको मैं मारता चला जा रहा हूँ। अरे और इसका डैमेज बहुत जोर से पड़ गया मेरे को, अगर अभी मैं इस पर 2-3 और गोलियाँ चला देता ना, जब मैंने देखा तो इसके हेड पर भी थी मेरी, मतलब मेरा निशाना इसका सीधा हेड पर था, 2-3 और गोलियाँ मतलब मैं अगर चला देता ना कि मर जाता। अरे साइड से मार गया भाई, हंटर किलर ड्रोन था उसे लेकर थोड़े सांस तो लेने देते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी हंटर किलर ड्रोन है, यानी कि समझ रहे हो अब मैं मारूँगा। और खासकर मैं अभी मैं उस भीड़ वाली जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ 2-3 लोग बच्चे फंसे हो, जैसे मैं अभी गया था। अब मेरे पास हंटर किलर ड्रोन है, एक साथ फेंक दूंगा और 2-3 लोगों को मारना चाहता हूँ। मेरा काम और आसान हो गया, तू सामने देख रहा है लेकिन नहीं कौन भाग रहा है। ओ लगी नहीं इसको, लगी नहीं, वैसे अभी किल्स के मामले में सबसे आगे होंगी तो मैं। अरे ये एक मिनट भाई, मुझे अभी डिफेंस करने दो, अब आएगा मजा। साथ में मेरे पास ये वो डेथ मशीन गन भी आ गई। आप क्यों एक मिनट क्या हो, पूरी कंफ्यूजन हो जाती है। डेथ मशीन गन भी आ गई मेरे पास, अब आप आएगा मजा, और भी ज़्यादा मजा आएगा। जैसे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगा, तो मेरे पास पूरा मौका है मैं बाद में यूज़ करूँगा। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एकदम लोग आई जा रहे हैं, ठीक है, अब मेरे पास मौका यूज़ करने का। एक्चुअली मैं ये जो चीज़ें हैं ना ये, और साथ में मेरे पास मिसाइल भी है अभी, तो ये मिसाइल और ये जो डेथ मशीन गन है, इन जैसी चीज़ों को मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मैं बर्थडे लगूँ,
मतलब मिसाइल को तो मैं कभी भी यूज़ कर दूंगा, डेथ मशीन गन की बात कर रहा हूँ। ओ ओ नसीब देखो मेरा, ये भी मेरे सामने से डिफेंस पाने जा रहा होगा लेकिन बेचारे को डिफेंस नहीं मिल पाया और मुझे मर जाता। ओ ये अरे अरे ओ भाई मेरे गन की बुलेट ख़त्म हो गई, AK-44 की बुलेट ख़त्म हो गई और मेरे पिस्टल से मारे हैं ये निशाने। लेकिन नहीं अभी तो मेरे पास डेथ मशीन भी है तो डरने की क्या बात है इसके अंदर। पिस्टल से तो अभी मैं पिस्टल तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, डेथ मशीन किल करो। अरे पीछे से मार दिया, आगे से आता हिम्मत है तो पीछे से आराम से मार के चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस मंडे के अंदर वो माना कि मेरी डेथ मशीन चली गई लेकिन साथ में मेरे पास ये मेरी AK-44 वापस आ गई विद फुल बुलेट्स। ओ हेलो, ओ इसी के साथ मेरा 20वां थी, मतलब ये मैच कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म नहीं हो गया। पहली चीज़ पे ये मैच मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म कर दिया और दूसरा वाला जो बंदा आया है मेरे पास सेकंड, उसके सिर्फ 10 किल्स है और मैंने उससे डबल गया था मैं सीधा। देखो मैंने बोला था, मतलब बोला तो नहीं था लेकिन अगर मैं मैच में MVP बनता हूँ, मतलब मैं अक्सर अपने मैचेस में बोलता हूँ कि अगर इस मैच में मेरी टीम जीती मैं MVP बना, मतलब इस बार मैंने बोला नहीं था, शायद मैं बोलना भूल गया। लेकिन आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, वैसे भी ये मैच बहुत ही बढ़िया गया था तो लाइक मार दो यार इसी सब बढ़िया किल्स के साथ। और अभी यहाँ पे मैं और आगे भी दूसरे मैचेस खेलने वाला हूँ, जैसे MVP तो मैं बन चुका हूँ इसके अंदर भी। बॉम बॉय ये कैसा नाम है, क्योंकि अभी यहाँ पे सब मैं अपने रिवॉर्ड्स देख लेता हूँ और ये सब कुछ मेरे को मिला और अभी मेरे को लगता है मेरा बैटल पास भी आगे बढ़ेगा। हाँ ओके बढ़ रहा है, टायर 9 पे पहुँच गया मैं, वो फर्स्ट प्लेस आई मेरी फ्री फॉर ऑल में, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे गन गेम ज्वाइन कर लिया, वो भी टीम फाइट वाला मोड और साथ में यहाँ पे मेरे को अभी किल हाउस वाला मैप मिला है। तो अभी मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में कि अभी कुछ दिनों से मैं मतलब कॉलेज सिर्फ एक ही गेम की वीडियोज़ बना रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी की, और आप लोगों को पता ही है कि मैं सिर्फ एक ही गेम नहीं खेलता रहता, मतलब कुछ दिनों तक लगातार अगर मैं एक ही गेम की वीडियो बनाता रहूँ वो चलेगा, लेकिन अभी मेरे को और गेम ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर हो सके तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं और कौन सी गेम्स खेल सकता हूँ। ओके तो अभी यहाँ पे मेरे को बंदे ढूंढने हैं और ये कौन सी गन मिली है मेरे को, अभी मैं देख नहीं पाया, साइड से 3 लोगों ने मार दिया मेरे को। और वैसे अभी साथ में मेरे को एक और मतलब गेम मिली है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, तो क्या मेरे को वो खेलनी चाहिए, क्या वो बढ़िया है ये सब मैं पता करना चाहता हूँ। और पीछे से मार रहे हैं, एक सेकंड भाई आराम से, सब्र रखो भाई। तो ये देख गया ये, इसको तो मैं ही मारूंगा, रुक जा भाई तू मर जाएगा, मरेगा वो, मेजर असिस्ट था यार, काश वो मेरा किल जाता, असिस्ट कर लिया बस मैंने उसे यार, एक मैंने उसको कुछ गोलियाँ बरसाई और मेरी वजह से वो मरा है लेकिन किल मेरा नहीं था। अरे गन घटिया क्या घटिया, यहाँ पे कोई है आजा, इसको मारना है भाई, इसके सबसे ज़्यादा किल्स हो रहे हैं उनकी टीम में, मतलब जिसके ऊपर ऐसे फर्स्ट आ रहा होगा शायद से उसके सबसे ज़्यादा किल्स हो रहे हैं। और वो ज़्यादा कूद रहा था, मैंने सीधा इसके बरसा दिया और अब मुझे नहीं पता मेरे को कैसी गन मिली है, अरे सीधा मूव नहीं कर पाया मैं। ओके ओ आजा सामने आजा, इसको तो मैं मारूंगा, इसको भी मारना पड़ेगा। ओके मर गया, इसके ऊपर ही वो फर्स्ट वाला अटैक था। एक जगह रुक जा बेटा, एक जगह रुक जा भाई, मेरी ना बस यही है कमजोरी है कि अगर वो एनिमी जो है सामने से हिलता रहे तो मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर एनिमी एक जगह रुक रहे तो बहुत ही बढ़िया किल कर दिखाऊंगा मैं।
और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस मैच के अंदर अभी भी बच पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता अभी मेरे कितने की जोर है, देख लूँगा बाद में मैं, लेकिन इसको पहले मार दे दो। ये आ जा तू भी आ जाओ, दो वाओ दो किल्स लाइफ में मेजर किसका है, तो आ जाओ। अरे ऊपर से भी मार रहे हैं, नीचे से भी मार रहे हैं, एक जगह से मारो, रुक जाओ भाई, ये बहुत चौक हो रहा है इसको मरने का। तो चल मेरी खुद की हेल्थ भी बहुत कम थी, जबकि मेरे को ये चीज़ अपने लिए बोलनी चाहिए थी। और अब मेरे को मारना पड़ेगा, अभी मेरी टीम के 24 हो रहे हैं, उनकी टीम के 22 हो रहे हैं, हम भले ही जीत रहे हैं, अभी हमें मतलब चिंत करके और ज़्यादा आगे अपना स्कोर लेके जाना पड़ेगा। नहीं हमें नहीं, मैंने भी मेरे को भी ओ हेडशॉट, लेकिन उसने माना नहीं मेरा हेडशॉट, और सर ये नॉर्मल के लिए था, और ये तो AK-47 मिली है, इससे तो किसको मरना पड़ेगा। चलो वो जो पीछे चल रहा था वो मर गया, तो मेरे को यही गन मिलेगी। ओ यस, ये तो एक शॉटगन टाइप है, अब मेरे अब जो भी मेरे पास आएगा उसे मार दूंगा बस। के शॉटगन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है 5 की रेंजेस के लिए, शॉर्ट रेंजेस के लिए, शॉटगन शॉर्ट रेंज। अरे कौन मार रहा है पीछे से, अभी जान दो मेरे को पीछे। ये पहली चीज़ तो है हमारा इलाका है, मैं अभी यहीं पे रिस्पॉन किया हूँ। ओह गया, ये गया, अरे नहीं गया, अच्छा नहीं गया था, मैं मजाक कर रहा था, नहीं गया, लेकिन अब तो गया ना। ओ तो मैं अभी यहीं टूट रहा हूँ दोबारा से यहाँ पे, ओ ये दूर का फायदा उठाना है मेरे को, मैं उसे देख पा रहा हूँ तक, वो भी मुझे देख सकता होगा। ओ भाई मेरी बहुत कम हेल्थ कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मार दिया। ये मर जा प्लीज़, मर जा प्लीज़। कौन सी गन मिली है, स्नाइपर टाइप कोई गन मिली है मेरे को। ओह शिट, अगर मैं उसके सीधा हेड पे जाता ना तो वो मर जाता आराम से, पर दूसरी चीज़ जिससे पिछले वाले एनिमी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा कम हेल्थ कर दी थी। तो हमारे 40 किल्स हो गए, अगर ये अभी 40 किल्स वाला मैच चल रहा होता तो इस समय तक हम जीत चुके होते, लेकिन ये नहीं चल रहा, ये 60 किल्स वाला मैच चल रहा है, और इसके अंदर भी अभी मेरे को जीत तुम्हारा है अपनी टीम को। अरे कैसी गन मिली है मेरे को, स्नाइपर है क्या ये भी, अरे मर जा भाई, सामने से निकल गया, मेरे को देख नहीं पाया, मार ही नहीं पाया, ये गन मेरे को दोबारा ना मिले प्लीज प्लीज़ गेम्स गेम से रिक्वेस्ट है मेरी पॉलिबिलिटी से, ये गन मतलब ऐसी गन मेरे को दोबारा, ऐसी गन मेरे को दोबारा ना मिले, और इससे पहले मैं कोई एक किल कर दूँ, ये किल करने के बाद ही चेंज हो रहे हैं अभी। ओ नहीं प्लीज़, मेरे को लैग नहीं चाहिए, और इसी के साथ एक किल कर दिया मैंने लैग के अंदर भी, ठीक है अब थोड़ा बहुत ठीक है लैग। ओ एक और क्या, अरे वाह अब मेरे को बढ़िया गन मिली है, तू भी मर जा। ओह भाई भाई यस, पीछे से मार दिया ऐसे मैंने बढ़िया वाला। ओ ये तो ओके, अभी यहाँ पे मेरे को मेरी टीम को भी 10 किल्स करने, फिर यहाँ पे अभी 3 किल्स मैंने एक साथ लाइन में किए थे, और अच्छा मैंने टाइम पे रीलोडिंग पे ध्यान दे दिया, अगर ना ध्यान ना देते तो गड़बड़ हो जाती है यार। तो 20 मैच मेरे को जीतना पड़ेगा, वैसे भी यानी कि यहाँ पे आ नहीं रहे। अरे अब क्या आपकी भी वैसी चल रही है, क्या हुआ, अच्छा थोड़ी सी मैंने उसकी हेल्थ कम की, लेकिन वो अभी सामने देखने में बिजी है, पास में चलती है क्या, कौन सी गन है, बाकी एक है क्या, पास खड़े हुए मैंने लोगों को मतलब बहुत मार दिया था, आ जा जाओ रुक जाओ हो भैया। और तो अब मेरे को पिस्टल मिली है यहाँ पे, इधर एनिमी जब दिख गया पिस्टल है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है, मेरे को पास जाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। वैसे पिस्टल से मैं इतना खास बढ़िया खेल नहीं पाता, लेकिन अभी मैं खेल के दिखाऊंगा, पहले मैंने अभी वो पिस्टल वाला एक अलग स्पेशल मैच भी खेला था। ओह अरे रीलोडिंग भी ऐसे टाइम पे आती है, रुक हिल मत गया, मेरे को लगा वो लास्ट किल होगा, और ये अब ये कौन सी गन मिल गई, अरे ये तो बहुत ही अजीब सी गन है, जिसको पहले मेरा अपना सेकेंडरी वेपन मेरा रखा था, वैसे भी इसको मैं यूज़ नहीं करता था, वैसे ही मैंने रखा था मैंने। अब मेरे पास हंटर किलर ड्रोन है, मैं अभी हंटर किलर ड्रोन से मारूंगा। ओह वाओ मेरे सामने जो बंदा है उसके सिर पे बजा दिया मैंने सीधा हंटर किलर ड्रोन, और अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा, इस गन से मारू देखते हुए इसको मार पाऊंगा मैं। ये देखो अभी ये भाई मेरा लक ना अभी फिर भी बहुत बढ़िया है कि अभी मेरा लक फिर भी बहुत बढ़िया कि ये जो गन है मेरे को लास्ट में मिली है जब हमारी टीम जीतने वाली है, क्योंकि इस गन से भाई मेरे कोई किल्स विल्स तो होने वाले हैं नहीं, पता नहीं ऐसी गन मेरे को मिली क्यों है, प्लीज़ ऐसी गन और ना मेरे को।
इससे बढ़िया मैं चाकू से ही मार लूँ। ओके अच्छा है, मैं फिर भी लकी था कि ये गन मेरे को लास्ट में मिली, नहीं तो इस गन से मेरे बिल्कुल किल्स ना हो पाते। और अभी मुझे नहीं पता कि स्कोर कैसा है, मैं अभी स्कोर देखने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी हूँ, तो जल्दी में वो स्कोर देखने के लिए। ये हुआ था लास्ट गेम, कौन सी मैच में मैं MVP बना वो। गाइस मैं इस बार MVP बना जो मैंने बोला था, तो अब तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा, और जो कर चुके हैं वो ऐसी वीडियोस देखते रहो, और वेरी मच थैंक यू जो कर चुके हैं। और ये लास्ट वाला जो मेरे को वेपन मिला था, जो भी इसका नाम है पता नहीं, इससे बॉम्ब निकलते हैं और मैं इससे कभी किल नहीं कर पाता, तो ये जो लास्ट में वेपन मिला था मतलब इसी के साथ लास्ट में ये एक्शन दिखाया, मतलब विक्ट्री के बाद एक्शन दिखाया, कम से कम नॉर्मल करके साथ ही दिखा देता है, इतना कुछ अजीब ना लगता है, लेकिन वो वेपन भाई अजीब ही लगता है मेरे को। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा वो वेपन मेरे को लास्ट में मिला, नहीं तो अगर बीच में मिल जाता तो गड़बड़ हो जाती। और साथ में इसी के साथ मेरे यहाँ पे 18 किल्स थे। तो भी अभी मैंने फ्रंटलाइन मोड चुन लिया, और इसी के साथ में मेरे को क्रॉस फायर वाला मैच मिला है, मतलब क्रॉस फायर वाला मैप मिला है। तो यहाँ पे ये अजीब सी सड़क होती है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मतलब हमें लड़ाई करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली होती। यहाँ पे घर वर टूटे होते हैं, देखो यहीं से घर वर टूटे हुए दिख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पे घर वर टूटे होते हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी है लोगों की, और हमें एक यही जगह मिली होती है लड़ाई करने के लिए, मतलब यही मैप मिलता है इनको लड़ाई करने के लिए। सड़कें भी टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ भी टूटी हुई हैं, और अब हम दो और अब हम दोनों टीम एक दूसरे टीम की हड्डियाँ भी तोड़ेंगे। ओहो ओ रुक जाओ ओए, मर गया आ जाओ, अरे दूर थोड़ी दूर नहीं, पास आ जा, आ जाओ पास, बस मारियो मत, मर जा। अरे मैंने उसे मारा, साथ में मेरे पे भी बॉम्ब गिर गया, शायद से किसी ने मिसाइल लॉन्च की, नहीं शायद बॉम्ब ही था, मैं देख भी नहीं पाया उसको। ये वही मैप है जहाँ पे मेरे को क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और यहाँ पे क्रॉस करके मैं आराम से लोगों को मार भी देता हूँ, लेकिन अब पता नहीं ये मेरे क्रॉस का लक सही नहीं चलता, जब भी ऐसे कोई गोलियाँ मार रहा हो और मैं तेज डैमेज लग रहा हो बस ही उनको पड़ जाऊँ। अरे मेरी स्क्रीन फ्रीज कर गई, स्क्रीन फ्रीज कर गई, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन फ्रीज कर गई थी यार, ये सब मैच के बाद आया करो, निकलो यहाँ से। Reloading, cover me. Enemy contact. एक तो इनविंसिबल जो हम होते हैं ना, सिर्फ 5 सेकंड के लिए होते हैं, वही कम से कम 10 सेकंड के लिए, ताकि यहाँ तक कम से कम पहुंच जाए, मतलब उठते ही ना बने, ये सर हम इनविंसिबल सिर्फ इसीलिए होते हैं। और प्लीज लैग हो रही है फिर से, चलो घर घर और गाड़ियों के साथ में मेरा इंटरनेट भी टूट गया। ओ मर जा भाई, अरे मैं यही पे तो मैं खड़ा हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं मार रहा हूँ लेकिन वही ना खड़ा हूँ मैं। तो ये तो यहाँ पे लैग में भी थोड़ा बहुत मैंने एक किल कर दिया है, तो यहाँ पे मैं सामने चलता जा रहा हूँ। अरे किसी ने वो यहाँ पे हंटर किलर ड्रोन छोड़ दिया, उनका भी हमारे से एक ज़्यादा पॉइंट है, अभी हम सबको ही मैनेज करनी पड़ेगी ताकि हमारी टीम जीत सके। फिर क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लगा दी उसमें चलने में। ये किल बहुत ही अजीब सा था लेकिन बढ़िया था। ओ कहाँ से जा रहा है ये, रुक जा, ज्यादा दौड़ मत, ज्यादा दौड़ मत, अरे भाग ही जा रहा है। Lost the lead. We've taken the lead.
अब दोनों के बीच में टाई हो रहा है, लेकिन टाई ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। टाई क्या ज़्यादा देर तक रहेगा, चित्त हम करते रहेंगे वो। और पर हो गया, बहुत सही। अच्छा गया वो किल, ये किल भी जाना चाहिए, मर जाना चाहिए ये भी, लेकिन मर नहीं पाया। अरे यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और इसको एक संदीप को मारने दो, ये मर जाएंगे फिर आएगा मजा। अरे सामने से मार के चला गया, पता नहीं चल पाया इसका। इस मैच के अंदर मैं इतने खास किल्स नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है इतने ज़्यादा किल्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत गेम लैग होना शुरू हो गई। लेकिन देखो भाई, मैंने अभी पिछले दो मैच बहुत ही बढ़िया खेले हैं, और इसके अंदर मैं भले अभी भी ना बच पाऊँ, लेकिन सेकंड या थर्ड तक तो आ ही जाऊँगा। अभी मैंने डेथ मशीन ले ली, अब तो सब मरेंगे, अब सब मरेंगे। ओह यहाँ पे ग्रेनेड फेंका किसी ने बच के, अरे मर जाए तुझे, बहुत शौक हो रहा है मरने का। ठीक है गया डेथ मशीन खेलता, और कहीं सामने से कोई हो, आ जा, ये भी गया। ओह तू आ जा, तू भी जाएगा प्लीज, इसका टाइम खत्म होने वाला है। तो टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन मैं बच गया। अरे दो दो लोग आ गए, कोई एक तो मरेगा उसमें से। चट यार मैंने डैमेज दे दिया था, मार नहीं पाया लेकिन उसको। Enemy contact. Hurting. Keep fighting. तो अभी यहाँ पे मेरे को कोई एनिमी दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से मेरे को उनके इलाके में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे टीम लड़की मेरी तरह ऐसे ही घूम रहा है, उधर चलता हूँ, पहले अंदर चलता हूँ। अरे यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरे को एक भी एनिमी दिख पाया, इसी के साथ हमारे पास यहाँ 38 किल्स हो चुके हैं, 39 हो गया। ओ यहाँ पे मेरा अभी दोबारा से यहाँ पे मेजर रजिस्ट हुआ, कि यहाँ पे सामने एक बंदे के पास फ्लेम थ्रोअर है, और फ्लेम थ्रोअर की जिसके पास हो भाई, मतलब समझ रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जैसे मेरे पास अभी डेथ मशीन किल है, वैसे उसके पास वो प्योरीफायर वाली है। काश मेरे पास भी अभी डेथ मशीन किल आई होती, मैं भी कुछ ऐसी किल्स कर रहा होता। मतलब सामने से भाई मेरे किल्स जो हारा है वो, तो एकदम सामने से आया और पता ही नहीं चला वो कब कब की वो किल्स कर रहा है। लेकिन ये भाई उसके बाद यहाँ पे अभी उस मेरे टीम के पास फ़ायदा था, इसलिए मैं अभी मेरा मेजर सिर्फ जा रहा है, वो बढ़ना चाहिए, फिर को इसे बचाना पड़ेगा। नहीं कितने भी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा घूमे हैं, तो इधर रुक जा, वो तू मरेगा। चलो इसको तो मारना था ही, और दूसरी चीज़ मेरे पे एक भी गोली वोली नहीं चल रही थी, बाकी एक और को भी मार देता। मतलब मेरे को पता है यहाँ से तीन लोग आ रहे थे, एक भी मैंने सीधा निशाना रखा और उसे मारने की कोशिश की। अगर ये मतलब आदमी मर जाता इसके बाद, अगर और भी टाइम होता ना, मतलब और भी थोड़े किल्स बचे होते, मैं एक और भी कर सकता था, फिर उसके बाद जाके तो मरना था ही भाई, दो लोग बचे होते। और साथ में रिस्पॉन भी उनके टीममेट्स वहीं पे हो रहे थे, तो इसी के साथ लास्ट किल अभी दोबारा से मैंने किया। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तब तक ले यहाँ पे ये स्कोर आने वाला है, फिर सबसे आगे ही, अरे अभी नहीं आया। ओके तो इन्होंने अभी भी नहीं बन पाया, लेकिन जैसे ही मैंने बताया था मैं सेकंड या थर्ड में से आऊँगा, तो मैं सेकंड जरूर आया, तो मैं अपनी किल्स देखना चाहता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मैं चलता हूँ, बाय।